भैया को अर्टिकेरिया है, 1.5 साल की बच्ची है, लाल लाल चकत्ते से, इसमें खुजली भी हो रही है, इसे इचिंग बड़ी जलन हो रही है, ये देखिए गर्दन पे भी। तो इसे मैं आपको कारण भी बताता हूँ और क्या इसका घरेलू उपाय है, क्या समाधान है, मैं इसकी दवाइयाँ भी बताऊँगा, ये देखिए दवाइयाँ और क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं ये भी बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अर्टिकेरिया क्या है, क्यों होता है। अर्टिकेरिया जो है शीत पित्त कहते हैं इसको, पित्त उछल गई, तो ये इसका कारण ये एक तरह की नाजुकता है, इसे कोई बीमारी ना समझें, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं होता, बस इमिडिएटली हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए बच्चे को नाजुक ना बनाएं, बच्चे को मैच्योर बनाएं। अगर जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं, अगर माँ ने कोई पित्तवर्धक चीज़ खा ली, चटपटी चीज़, मिर्च मसाले की चीज़, फ्राइड स्पाइसी कुछ खा लिया, उससे बच्चे को पित्त उछल सकता है। अगर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो अगर कोई बिस्कुट, टॉफ़ी, नमकीन, कुरकुरे ऐसी चीज़ खा लें, उससे भी पित्त उछल सकता है। या फिर एक ही जगह सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, गर्मियों में मान लो एसी में है, अचानक ज़रा सा ही बाहर निकल जाएंगे तब भी हो सकता है, सडन टेम्परेचर चेंज से भी ऐसा हो सकता है। या सर्दियों में अंदर गर्म हवा में थे और फिर बाहर की ठंडी एकदम हवा, ताज़ी हवा लगी, गाड़ी में से एकदम बाहर निकले, तब भी अर्टिकेरिया हो जाता है। तो सडन फ्लक्चुएशन को सहन करने की शक्ति जिनमें नहीं होती उनको अर्टिकेरिया होता है, एक पित्त प्रकोप है। तो इससे बचने के लिए एक तो खान पान का ध्यान रखें, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं माँ अपने खान पान का ध्यान रखें, पित्त ना बढ़े बच्चे के शरीर में। और अगर बच्चा इंडिपेंडेंट है, खाना खाता है, तो उसको पित्तवर्धक भोजन ना लें, कोई बासी चीज ना दें, जंक फूड ना दें बिल्कुल। और कपड़े भी सिंथेटिक ना हों, जैसे इस बच्चे ने सिंथेटिक कपड़े पहन रखे हैं, ये ऐसे नीचे से निकल, तो ये इस तरह के सिंथेटिक ना बना के, जैसे बंगाली कुर्ते पजामे कॉटन के कपड़े होते हैं, ऐसे कॉटन के कपड़े बनाएं तो अच्छा रहेगा। और बाकी कभी कभी किसी किसी दवाई से भी अर्टिकेरिया हो जाता है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन ट्रीटमेंट तो करना है। तो उसमें पित्त को शांत करने वाला भोजन, जो बड़े बच्चे हैं सिंपल भोजन करें, अगर बच्चा छोटा है तो माँ अपना सिंपल खाना ले, तो जैसे शीशम के पत्ते भी चबा के खा सकते हैं, जो माँ अगर बच्चे को दूध ला रही है माँ खा ले, या बच्चे, या बेलपत्थर का जूस बना के ले सकते हैं शरबत, उसे भी फ़ायदा रहेगा। और उसके अलावा तो दवाई भी देनी होती है, दूध में उबाल के ये दे सकते हैं, इससे बड़ी जल्दी पित्त शांत हो जाता है। और जो बच्चे बड़े हैं, जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको मैच्योर बनाने के लिए डेली उनको लंबी लंबी वॉक कराएं, थोड़े नारियल के तेल में जरा सा कपूर डाल के उनकी मालिश भी कर दें, और फिर लंबी वॉक कराएं लगभग 3-4 किलोमीटर की, जो 3 साल से बड़ा बच्चा है, क्योंकि मेरी गुड़िया ने सोम्या ने तो शुरुआत में ही 2.5 साल की एज में ही योग भी करना शुरू कर दिया था, और 3 साल की उम्र में 3 किलोमीटर की वॉक भी शुरू कर दी इसने, और योग भी करना शुरू कर दिया, वॉक भी करना शुरू कर दी 3 साल की उम्र में। अगर बच्चों को ऐसे ही 3 किलोमीटर की वॉक डेली कराएंगे सुबह 3 साल से बड़े बच्चे को, और सुबह योग भी कराएंगे, तो बच्चा मेच्योर होगा, उसे अर्टिकेरिया होगा ही बिल्कुल भी, उसका वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहेगा, वात पित्त कफ का बैलेंस ही अर्टिकेरिया है। तो खाली डॉक्टर से ही इसका इलाज ना मांगे, खुद भी सोचें कि हमारे लिए लाइफ स्टाइल में क्या है। अगर बच्चा देर रात को सो गया, सुबह देर से उठ गया, तब उसका पित्त प्रकोपित हो जाएगा, तब उसे अर्टिकेरिया हो सकता है। तो सोने जल्दी का टाइम ठीक रखें, खाने में हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल ऐसा खाना दें जितना सिंपल खाना होगा, जितना खाना ये पित्त को शांत करने वाला है, हरी सब्जियाँ, दालें, खिचड़ी, दलिया, रोटी ऐसा खाना दें। और जच्चा है तो पंजीर खा सकते हैं, और भारी चीज़ें मुश्किल से बचने वाली चीज़ों से थोड़ा सा बचें, ये अर्टिकेरिया का कारण है। और बाकी उत्तराखंड मैंने बताया इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरा नंबर भी है, इस पर व्हाट्सअप करके मेरे पैटो की और लाइब्रेरी के ऑनलाइन कंसल्टेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। और वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोज जिनको हम लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं, ये मेरे इस जगदम्बा बीबी के चैनल पर बड़ी सारी वीडियोज मैंने अपलोड किए रखी हैं, और मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 या 4:30 से 5 लाइव भी होता हूँ यूट्यूब पे, उसमें भी आप ज्वाइन करें, जैसे कि जो भी क्वेरी हो मैं सॉल्व कर सकता हूँ।